हेलो दोस्तों, मैं रेस्पी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेस्पी कुकर में। दोस्तों आज हम जानेंगे हमारी वीडियो में कि जो ऐप की लिंक होती है उसको कैसे निकाले। मान लीजिए हम हमारे मोबाइल में किसी ऐप का यूज करते हो और किसी बंदे को हमारे मोबाइल में जो ऐप है वो वाली ऐप उसको भी चाहिए और वो बोलता है मुझे इस ऐप की लिंक शेयर कर दे। तो बहुत सी बार तो उस ऐप के अंदर सेटिंग में मिल जाता है शेयर का ऑप्शन, लेकिन वो जो शेयर का ऑप्शन है उसमें डायरेक्ट पूरी पूरी फाइल जाती है, लेकिन उसकी जो लिंक निकालनी होती है वो भी प्ले स्टोर से। तो वो कैसे करें, आज की हमारी वीडियो उसी टॉपिक पर होने वाली है। तो दोस्तों मैं जो एक ट्रिक बताने वाला हूँ प्ले स्टोर की आपको, उसके जरिए आप किसी भी एप्लीकेशन की बड़ी आसानी से उसकी लिंक निकाल सकते हो। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं फटाफट से अपने मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन। मोबाइल की स्क्रीन पर आने में सबसे पहले यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। जिसे ऐसे प्ले स्टोर को ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको जिस किसी भी ऐप की लिंक निकालनी है वो वाली ऐप यहाँ पर ले लेनी है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ व्हाट्सअप सर्च कर लेता हूँ, WHAT व्हाट्सअप करके। तो मैंने यहाँ पर व्हाट्सअप लिख लिया, इसको यहाँ पर सर्च कर लिया है तो अपनी व्हाट्सअप की एप्लीकेशन आ चुकी है। अगर मुझे इसको लिंक सेंड करनी है वो भी प्ले स्टोर की मदद से, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे इस एप्लीकेशन पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई सा भी शेयर वाला ऑप्शन आपको शायद ही यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शेयर वाला ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आओगे यहाँ पर कोई सा भी एक ब्राउजर वगैरह चुन लेना है। तो मैं यहाँ से नोटबुक है इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे इस पर एक बार क्लिक करूँगा ये मेरे यहाँ पर जो व्हाट्सएप की URL है वो व्हाट्सएप का URL वो यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इसको यहाँ से सिंपल सा सेव कर दूंगा। जैसे ऐसे इसको सेव किया ये मेरी उस नोटबुक में यहाँ पर सेव हो चुका है। तो मैं इसमें नोटबुक में चला जाता हूँ और यहाँ पर देख सकते ये मेरा व्हाट्सएप पर यहाँ पर सेव हो चुका है। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है चेकआउट व्हाट्सएप मैसेंजर, मतलब यहाँ पर ये व्हाट्सएप की जो URL है वो आ चुका है। अब जैसे मैं इसको बंदे किसी को भी यहाँ पर शेयर करूँगा, तो मान लीजिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। पहले तो इस लिंक को ऐसे कॉपी कर ली। अब मुझे इसको व्हाट्सएप पे किसी को भेजनी है, तो मैं ऐसे किसी कॉन्टैक्ट है यहाँ पर, मान लीजिए ये वाला कॉन्टैक्ट है। अब मुझे इसको यहाँ से कुछ भेजनी है तो मैं इसको यहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो ये मेरे URL यहाँ पर चला गया है। अब यहाँ पर देख सकते हो मैं इसको खोल कर ओपन करके बताता हूँ। यहाँ पर पहले तो बैकग्राउंड में से हटा देता हूँ एप्लीकेशन, और यहाँ पर जो व्हाट्सएप है उसको यहाँ से एक बार क्लिक करके डबल से इसी बार URL पर क्लिक करेंगे तो सीधा आपको प्ले स्टोर का वो व्हाट्सएप पर मैसेंजर पर वहाँ पर पहुँचा देगा। इसी तरह आप व्हाट्सएप के कोई से भी ट्रिक कोई से भी एप्लीकेशन हो उसको वहाँ से आप बड़ी आसानी से उसके लिंक शेयर कर सकते हो वहाँ पर, और इसका URL निकाल सकते हो। मान लीजिए जो कैरम बोर्ड वाला एक गेम है इसका भी निकालना सेम प्रोसेस है वही वाला यहाँ पर ऐसे कर। हाँ दोस्तों, बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है मुझको आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक और सोशल मीडिया एप्लीकेशन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपके लिए कुछ फायदेमंद रही होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।